आप रैंकते हुए सीनियर के पास गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराने। सीनियर इतने अच्छे हमारे कि हमने एक से हेल्प के लिए पूछा तो वो 10 आ गए। तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं भाई, कोई पेन किलर ले लें या फिर कॉलेज लाइफ इज फन है ना। पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है हमसे पूछ। सेकंड ईयर कॉलेज लाइफ इज फन नहीं, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है। तो कॉलेज में आता है फर्स्ट बेंचर, फिर आता है किसी ने फोटो पोस्ट कर दी और उन्हें लगा कि सिस्टम हिला दिया। कंप्लेंट का दरिया ऐसे ही चलता गया, हमें बिना पता चला कब हम बॉयकॉट कर दिए गए। अब मैं बताता हूँ, हमें लगा था कि सीनियर किसी काम के नहीं होते, पढ़ेंगे तो पास हो ही जाएंगे। ये दास्तां तब की है जब हमने बुक्स भी नहीं खरीदी थी, फिर डेटशीट आ गई, किताबें तब जाके खरीदी गई और मैंने तो तब भी नहीं खरीदी। हमें गलती समझ आने ही लगी थी, अपोलॉजी लेटर लिखा और इतने में कोविड की सेकंड वेव आई और फिर से कॉलेज बंद हो गया। ऑनलाइन टर्मिनल हुए तो पास भी हो गए, सेंटर्स तक आते आते कॉलेज फिर से खुल गए। सिलेबस देखकर तो होश ही उड़ गए, हमें कैसे पता ना चला सिलेबस शुरू कब और खत्म कब हो गए। अब रैंकते हुए सीनियर के पास गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराने। सीनियर इतने अच्छे हमारे कि हमने एक से हेल्प के लिए पूछा तो वो 10 आ गए। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, हमें अपनी गलतियों पर अफसोस होने लगा। सीनियर के लिए इज्जत दिल से आने लगी, सीनियर जूनियर के बीच हेल्दी एनवायरनमेंट बनने लगा। कैडरों को बिना देखे एक साल निकल गया, न जाने बीडीएस का फर्स्ट ईयर कैसे बीत गया। लाइफ में पहली बार पूरे साल ऑफलाइन एग्जाम कभी नहीं दिया, एग्जाम्स आए तो ऑर्बन्स देखकर सपनों में भी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ही आए। कोविड बैच कहलाके ही सही, आधे पास हो गए और 26 की सप्ली लग गई। सो गाइस, कॉलेज लाइफ इज फन है ना। पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार क्या हमसे पूछ। सेकंड ईयर कॉलेज लाइफ इज फन नहीं, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है। तो कॉलेज में आता है फर्स्ट बेंचर, फिर आता है सेकंड बेंचर और उसके बाद अपने बेंच की स्ट्रेंथ इतनी है कि खत्म ही हो जाता है और उसमें आधी सप्ली आ जाती है तो सेकंड बेंचर भी खत्म। इससे और सो के मुझे फर्स्ट डे की क्लास याद आ गई। फैकल्टी ने पूछा था ऑर्थोडॉन्टिक्स से आप क्या समझते हो, तो मैंने बोला आई ओनली नो ब्रेसेस, सबको यही पता होता है। पर फर्स्ट बेंचर को कुछ तो अलग बोलना था ना जिससे फैकल्टी इंप्रेस हो जाती। तो उसने क्या कहा कि ब्रेसेस आर मेड अप ऑफ रॉट मेटल अलॉयज। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये फर्स्ट बेंचर्स। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, वो डॉक्टर साहब ही बोलेगा। तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं भाई, कोई पेन किलर ले लें या फिर ये लोग पहले एनसेट की क्लास, जो फर्स्ट बेंचर होते हैं ये पहले एनसेट की क्लासिफिकेशन पूरी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें जाके बताइए कि ये वाली इस टाइम पे लेनी है और ये वाली इस टाइम पे लेनी है। अच्छा, अब सबका एक फेवरेट स्टूडेंट होता है जो सभी का फेवरेट होता है, क्लास का सीआर। गिव देम अ चीयर गाइस। इसका जन्म भी होता है दुख दर्द पीड़ा कष्ट सहने के लिए। अटेंडेंस लेनी हो तो सीआर, प्रोजेक्टर लगाना हो तो सीआर, रजिस्टर लाना हो तो सीआर, बैच की डांट सुननी हो तो सीआर, और हर क्लास से पहले फैकल्टी को सीआर, और हर क्लास से पहले फैकल्टी को कॉल करके उसको उनको बताना होता है सर आपकी क्लास यहाँ है, और अगर गलती से भूल गया तो डांट किसको सुनेगी, सीआर। बड़े अच्छे और रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीआर। ये हुई हमारी बातें, ऐसे ही करते करते सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर आया सीनियर बन गए, जिंदगी फिर भी वही थी। हेलो सर, हेलो मैम, सुनने की फीलिंग ही अलग थी। थैंक यू।